संस्कृत भाषा शिक्षण भवताम सर्वेषां स्वागत। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। संस्कृत भाषा शिक्षण के अंतर्गत हम अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक ज्ञान मेरे से अपने चतुर्थ पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, है ना। और हमने अपना चतुर्थ पाठ पाठ चार अपनी पिछली कक्षा में प्रारंभ कर दिया था। तो हमारे पाठ चार का क्या नाम था बच्चों? गीता या उपदेश, गीता के उपदेश या गीता में निहित उपदेश। तो गीता के उपदेश से हम क्या समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में उपदेश दे रहे हैं। किस विषय में? कर्म के विषय में, शरीर और आत्मा के विषय में, जीवन के विषय में वो उपदेश दे रहे हैं। और वो जो सारी बातें उन्होंने अर्जुन को बताई श्री कृष्ण ने, वो सारी बातें हमारे पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत है जो गीता के उपदेश से संकलित है। ठीक है, हम आज अपने पाठ से संबंधित व्याख्यान दो का अध्ययन करने वाले। व्याख्यान एक हम पढ़ चुके हैं जिसके अंतर्गत हमने अपने तीन श्लोकों का अध्ययन कर लिया था, और आज हम व्याख्यान दो के अंतर्गत उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज भी तीन श्लोकों का ही अध्ययन करेंगे, उनका अर्थ ग्रहण करेंगे, उनको समझेंगे, जानेंगे। सबसे पहले हम उन श्लोकों के अंतर्गत आने वाले कठिन शब्दार्थों का जो अर्थ है वो जान लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। देखिए, शब्दार्थ कौमारम, कौमारम बचपन, जरा बुढ़ापा, देहांतर दूसरे शरीर की, मुह्यति शोक करना, वेति जानता है, हंतारम मारने वाला, और हन्यते मारा जाता है। दोनों जो ये शब्द हैं, दोनों दिखने में तो समान लग रहे हैं लेकिन इनका अर्थ क्या है? अलग है। देखिए, अंतिम जो वर्ण है उसमें रे और उसके ऊपर बिंदु अनुस्वार लगा हुआ है, और यहाँ पर तय के ऊपर मात्रा लगी है। ये दोनों जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें समान समान प्रतीत होते हैं, लेकिन दोनों है भी अलग, लिखने में भी अलग है और इनका अर्थ भी अलग है। हंतारम मारने वाला, अन्यते मारा जाता है, ध्रुवम निश्चित। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे पाठ से संबंधित कठिन शब्द। अब हम अपने पाठ के अंतर्गत किन किन श्लोकों का अध्ययन करेंगे आज? मैंने यहाँ पर लिखा है श्लोक चार जाते से ध्रुवो, इसके बीच में ये जो खाली जगह दी हुई है इसके बीच में पूरा श्लोक आ जाता है, और ये अंतिम शब्द है सोचितु अर्हसि। इसी प्रकार पांचवा श्लोक देहिनो अस्मिन् मुह्यति। ठीक है, फिर ये एनम वेति, और इस खाली जगह के बीच में पूरा श्लोक, पूरा जो हमें उपदेश दिया गया है वो आ जाता है, और फिर अंतिम शब्द हन्यते। इनका हम पूरे पंक्तियों के अनुसार जो भी बातें हमें दी गई है हमारे श्लोक के अंतर्गत वो हम अपनी पाठ्यपुस्तक से पढ़ेंगे। संस्कृत की पंक्तियों का भी हम अपनी पाठ्यपुस्तक से उच्चारण भी और अर्थ भी ग्रहण करेंगे उनका हिंदी। आइए प्रारंभ करते हैं। श्लोक तीन तक हम पढ़ चुके हैं अपनी पिछली कक्षा में, आज हम शुरुआत करेंगे, प्रारंभ करेंगे श्लोक चार से। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः, ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। एक एक पंक्ति का पहले पढ़ेंगे और फिर संपूर्ण जो हमारा श्लोक है उसका एक साथ अर्थ ग्रहण करेंगे। जैसे देखिए कि इस मान्यता के अनुसार, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार कि आत्मा अजर और अमर है, कौन सी मान्यता? आत्मा अजर और अमर है, वो शरीर एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म भी निश्चित है। तस्माद् परिहारे अर्थे नैवं शोचितुम् अर्हसि, इसलिए इस बिना उपाय वाले विषय के बारे में शोक करने के तुम योग्य नहीं हो, या इस विषय में शोक करने का कोई फायदा नहीं है। आगे समझ में देखिए पूरा अर्थ हम लेते हैं। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार कि जो मर चुका है उसका जन्म निश्चित है, और जिसने जन्म लिया है उसका मरण भी निश्चित है, इसलिए इस बिना मतलब इस बिना उपाय वाले भी
देहांतर प्राप्ति ही धीर तत्र न मुह्यति कि उसी प्रकार दूसरे शरीर की भी प्राप्ति हो सकती है या उसी प्रकार इस देहांतर दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है उस विषय में धीर मनुष्य को मोहित नहीं होना चाहिए या उसके लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। दोबारा से देखिए कि जिस प्रकार इस देहधारी शरीर में आत्मा को धारण करने वाले शरीर में बचपन यौवन अवस्था और वृद्धावस्था तीनों होती है उसी प्रकार यह शरीर एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को भी धारण करता है दूसरे शरीर को भी प्राप्त करता है। इसलिए धीर पुरुष को इस शरीर पर मोहित नहीं होना चाहिए इसके मरने या जीने की चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है आगे देखिए छठा जो श्लोक है यह एनम वेति हंतारम यह चैनम मन्यते हतम जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला समझता है ना और जो मनुष्य इसको मरा मानता है ना मरा हुआ मानता है उभौ तव ने विष्तानितो नायम हंती ने हन्यते उसे या वे इन दोनों को ही नहीं जानते मारने वाला भी और मरा हुआ भी कि वह मनुष्य इन दोनों को ही नहीं जानता क्योंकि यह जो शरीर है यह आत्मा शरीर का अर्थ यहाँ पर आत्मा से लिया गया यह जो देह है इसको न तो कोई मार सकता है और यह न ही मर सकता है। ठीक है आगे समझ में कि जो ये शरीर है या जो मनुष्य इस शरीर को मारने वाला समझता है या मरा हुआ समझता है उसको इन दोनों बातों का ही ज्ञान नहीं है कि जो ये आत्मा है यह न तो मरती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। ठीक है बच्चों आया समझ में इन तीनों श्लोकों का अर्थ आपको अर्थ जो हमने आज समझा और संस्कृत की पंक्तियों का जो हमने उच्चारण किया मौखिक वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। अब आप इसे स्वयं से पढ़कर देखिए मौखिक उच्चारण कीजिए संस्कृत की पंक्तियों का भी श्लोक का भी और फिर इससे संबंधित जो अर्थ मैंने जिस प्रकार आपको बताया है आप अपने शब्दों में उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए उसका अर्थ ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों आज का जो हमारा व्याख्यान 2 है वो यहीं पर समाप्त होता है। हमारे पाठ का शेष भाग जो बच गया है उसे हम अपनी अगली कक्षा में पूर्ण करेंगे व्याख्यान 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।